बिहार विकास के मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बनाने के लिए बेकरार है। इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए विकास की गाथा लिखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक हफ्ते में भरभरा कर गिरे तीन पुल कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। तीन तस्वीरें बिहार में विकास कार्यों की पोल खोल रही हैं। मोतिहारी, अररिया और सिवान में एक हफ्ते में भरभरा कर गिरे पुलों की कहानी बयां कर रही हैं। पुल निर्माण के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करके पैसों की बर्बादी का मंजर इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। सबसे ताजा तस्वीर मोतिहारी के घोड़ा सहन ब्लॉक की है। यहाँ 2 करोड़ की लागत से पुल बनाया जा रहा था। करीब 50 फीट लंबे पुल की ढलाई का काम भी पूरा हो चुका था, लेकिन निर्माण कार्य पूरा हो पाता इससे पहले ही पुल भरभरा कर गिर गया। जो घूस लेकर काम करे, जो भी काम किया गया है, ये सब नजायज किया गया है, सही काम नहीं है। आपका सरिया ठीक नहीं है, प्लेन ठीक नहीं है, कोई भी ठीक नहीं है, कोई भी एंगल से देखिए इसका कोई भी ठीक नहीं है। धस कैसे हुआ था हम लोग भी नहीं देखे हैं। वो कहते हैं मुंशी साहब की कोनो अपाचू वाला आया, खूंटा हिला दिया। अपाची से खूंटा हिलाने वाला है अपाचू वाला? आप इसको अथी के देख लीजिए, किलर को देख लीजिए, पिलर को अपना, तभी ना इसमें ताह लगाइएगा कि हाँ हमारा पिलर सहेगा कि नहीं सहेगा। 3 फीट गहराई है ऊपर से। बस 12 बजे तक काम हुआ है। मुंशी जी बोल रहे हैं कि 9:30 बजे काम बंद हो गया। वहाँ पे देखो पेपर लगा हुआ है, 1.5 करोड़ की लागत से पुल बन रहा है। गाड़ी जाता गिर जाता इसके अंदर, कोई मर जाता इसमें, उसका जवाब नहीं कौन होता। ये कैसे ध्वस्त हुआ इस बस? एक कम मसाला से माल बन रहा है इसमें। न यहाँ कोई इंजीनियर देखने वाला है, न कभी ठेकेदार साहब आए हैं। मुंशी के द्वारा काम हो रहा है, 10 एक से काम हो रहा है। सीमेंट देख लीजिए डुप्लीकेट है, गिट्टी देख लीजिए डुप्लीकेट है, बालू भी उसी तरह का है, मिट्टी है, आधा मिट्टी है आधा बालू है। इससे पहले इसी हफ्ते सीवान और अररिया में भी पुल टूट चुके हैं। अब इस तस्वीर को भी देखिए, ये तस्वीर बस एक दिन पुरानी है। सीवान में महाराजगंज दरौंदा विधानसभा के बॉर्डर को जोड़ने वाला पुल भी ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गया। लोग कह रहे हैं कि इस बार ना बारिश हुई और ना आंधी चली, ऐसे में पुल के इस तरह कमजोर होकर गिरना हैरान करने वाला है। अब आखिर में 5 दिन पहले 18 जून की इस तस्वीर को भी देखिए। ये तस्वीर अररिया की है, जहां सिकटी में बकरा नदी पर बना पुल उद्घाटन की राह देख रहा था। इस पुल को बनाने में 12 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन उद्घाटन से पहले ही पुल धड़ाम हो गया। एक हफ्ते में 3 पुल गिरे तो मामला सियासी गलियारों में भी गूंजने लगा। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पुल गिरे, भ्रष्टाचार के गुल खिले, 18 वर्षों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बेचारे दो उप मुख्यमंत्री तो इन सब के बारे में जानते ही नहीं है। जानकर कर भी क्या लेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। डबल इंजनधारी लोग कह देंगे कि पुल खुदकुशी कर रहे हैं या चूहे पुल कुतर रहे हैं। इस तरह से एक हफ्ते में 3-3 पुलों का गिरना कई सवाल खड़े कर रहा है, खासतौर पर उन पुलों का गिरना जिनका निर्माण कार्य चल रहा था या फिर जो पुल निर्माण होने के बाद उद्घाटन का इंतजार कर रहे थे। देखना दिलचस्प होगा कि अब तीनों मामलों में गाज किस पर गिरती है। स्पेशल रिपोर्ट TNP न्यूज़।